बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द ब्रेन ये पढ़ते हैं। न्यूरो हार्मोनल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स ही एक ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जिस जो हार्मोन लाइक फंक्शन करता है। इसे है तो ये तो या एक्साइटेटरी न्यूरो हार्मोनल एजेंट होगा या इनहिबिटर होगा। जो एक्साइटेटरी होगा वो क्या करेगा, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, एक्साइट करेगा, और जो इनहिबिटर होगा वो हमारे ब्रेन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। फिर इसके आगे आ जाता है न्यूरो इपिनेफ्रिन सिस्टम। ये फर्दर क्या है, इसके फर्दर चार सिस्टम डिस्कस किए। पहले वाला जो है ये इसको लोग सेरुलस एंड न्यूरो इपिनेफ्रिन सिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारे जो फोन्स और मिड ब्रेन के एरिया के जंक्शन होते हैं ना, यहाँ पर दोनों साइड्स पर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं लोकस सेरुलस। ये जाकर क्या करते हैं, हमारे ब्रेन की ईच एंड एवरी एरिया को क्या करते हैं, फाइबर सेंड करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, ये नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन एक्साइटेटेड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्साइट करते हैं उस एरिया को। ये रैम स्लीप कैस करते हैं। रैम का मतलब ये है रैपिड आई मूवमेंट। ये जब हम स्लीप में पड़ जाते हैं तो कुछ एरिया ऐसा जहाँ पर हम ड्रीम्स देखते हैं, और हमारी बॉडी जो होते हैं ये इमोबिलाइज होते हैं, और ये ज़रूरी होते हैं हमारे थॉट्स और मेमोरी के लिए। इस दौरान क्या होते हैं, हमारे ब्रेन जो होते हैं ये हाईली एक्टिवेटेड होते हैं, बस हम क्या होते हैं, हम मोटर एक्टिविटी नहीं करती। सही हो गया। दूसरा जो आते हैं उसको बोलते हैं सब्सटेंशिया निग्रा डोपामिन सिस्टम। ये जो होता है हमारे मिड ब्रेन की जो एंटीरियर एरिया होते हैं यहाँ पर होता है सब्सटेंशिया निग्रा, वहाँ से ये फाइबर सेंड करते हैं पुटामिन को और कॉर्डेट न्यूक्लियस को, जो कि बेजल गेंगलिया के स्ट्रक्चर जैसे है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। इसके अलावा यहाँ पर साइड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इस तरह डोपामिन रिलीज करते हैं, लेकिन वो जाते हैं हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में। अब यहाँ पर तो ये इनहिबिट रहे, लेकिन कुछ एरिया ऑफ द ब्रेन में ये एक्साइटेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। क्लिनिकल में इसकी याद है कि जब ये सब्सटेंशिया निग्रा डैमेज हो जाते हैं, डोपामिन रिलीज नहीं होते, और बंदे को पार्किंसन डिजीज हो जाते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। अब आगे आ जाते हैं रैपी न्यूक्लियाई एंड सेरोटोनिन सिस्टम। ये जो हमारे मेडुला और पोन्स की मिड लाइन हो, इसमें बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं जिसको बोलते हैं रैपी न्यूक्लियाई। ये क्या करते हैं, डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन में, चाहे डाइनसेफेलन हो गया, ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, नीचे ब्रेन हो गया, सॉरी स्पाइनल कार्ड हो गया, यहाँ पर फाइबर सेंड करते हैं और वहाँ पर सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। लेकिन इसका जो हुली सूली इफेक्ट होता है हर जगह पर वो क्या होगा, इनहिबिटरी होगा। जो स्पाइनल कार्ड को नीचे आते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पेन रिलीव करते हैं, क्योंकि जो डोर्सल कॉलम में पेन लाते हैं जो न्यूरॉन्स, उस न्यूरॉन्स जो जब सेकंड आर्ट न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करते हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, इनको इनहिबिट कर देते हैं और पेन हमारे कॉर्टेक्स को नहीं आता। ये जो होते हैं हम जो नॉर्मली स्लीपिंग करते हैं 7 to 8 hours, इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइनसेफेलन और कॉर्टेक्स को इनहिबिट करते हैं और हम सो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं गिगेंटोसेलुलर न्यूरॉन एंड एसेटाइल कोलिन। हमारे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन में एक्साइटेड एरिया, इसमें लार्ज सेल थे जिसको बोलते थे गेंट सेल। ये क्या करते हैं, एक ब्रांच ऊपर सेंड करते थे कॉर्टेक्स में और दूसरा ब्रांच नीचे सेंड करते हैं हमारे थैलेमस में, जो कि जाती है एंटीग्रेविटी न्यूरॉन्स को। फिर सही है, तो यहाँ पर ये एंटीग्रेविटी मसल में टोन मेंटेन रखते हैं, और ऊपर ये एसेटाइल कोलिन जगह सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पहुँचता है, और वहाँ पर ये क्या करते हैं, एक्साइटेशन कास कर देते हैं, मतलब हमारी कॉर्टेक्स को अवेयर रखता है। जो सेरोटोनिन होता था ये हमें स्लीप कास करता था, ये यहाँ पर एसेटाइल कोलिन क्या करते हैं, इससे एक्साइटेशन कास करते हैं। इससे आगे पैराग्राफ में क्या है कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया गया है बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, वो आप लोग देख ले। अल्लाह हाफिज़।